वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड समीर में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अंगद तंत्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक विष के वेग के बारे में। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि विष के वेग क्या होते हैं और विष के वेग के अंदर कौन कौन से लक्षणों की उत्पत्ति होती है उनके बारे में बताइए। तो दोस्तों, आज हम ट्रिक के द्वारा वेग को याद करेंगे, साथ ही उसके अंदर उत्पन्न होने वाले लक्षणों को भी बहुत ही सिंपल ट्रिक से मैं आपको याद करवाने वाला हूं। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के लास्ट तक, ताकि आप बड़ी आसानी से विष के वेग को याद कर सकें। तो दोस्तों, यहां पर हमें सबसे पहले यह याद होना चाहिए कि विष के वेग आचार्य चरक के अनुसार 8 होते हैं। तो कितने होते हैं? आचार्य चरक के अनुसार विष के वेगों की संख्या 8 मानी गई है और आचार्य सुश्रुत के अनुसार विष के वेगों की संख्या 7 मानी गई है। तो हमें ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है कि चरक के अनुसार 8 वेग होते हैं और सुश्रुत के अनुसार विष के वेग 7 होते हैं, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ लिया जाता है, तो ये हमें ध्यान होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं आचार्य चरक के अनुसार विष के 8 वेगों के बारे में, जो अंगद तंत्र के अंदर तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ ही साथ चरक संहिता के अंदर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा, आपको एक के बाद एक को समझते जाना है। सबसे पहले प्रथम वेग के अंदर रस की विकृति होती है। तो जो प्रथम वेग होता है विष का, उसके अंदर रस धातु की विकृति होती है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि प्रथम वेग के अंदर रस धातु की विकृति होती है। अब इसके लक्षणों को आपको कैसे याद करना है, उसकी ट्रिक मैं आपको समझाता हूँ। आपको डायग्राम के अंदर जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? वो एक बंदा है जिसका नाम हम रख रहे हैं सोनू भैया। इनका नाम क्या है? सोनू भैया। अब इनको सबसे पहली डिजीज कौन सी है? इनको होने वाली है वोमिटिंग। क्या होने वाली है दोस्तों? इनको होने वाली है वोमिटिंग, अर्थात इनको होने वाली है उल्टी। तो अब उसके अंदर हमको एक के बाद एक क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, उस हिसाब से हमको इसको याद कर लेना है। तो सोनू भैया को क्या हो रहा है, जैसे ही उल्टी होने स्टार्ट होती है तो सबसे पहले क्या होता है, मुंह के अंदर एक्सेसिव सलाइवेशन होता है, लाला स्त्राव होता है, जिसको हम आयुर्वेद के अंदर क्या बोलते हैं, प्रसेक बोलते हैं। तो सबसे पहला लक्षण प्रथम वेग के अंदर हमको देखने को मिलता है प्रसेक। देन अब क्या हुआ, जैसे ही मुंह के अंदर एक्सेसिव सलाइवेशन होता है तो उसके वजह से दांतों के अंदर क्या होता है, पीड़ा होती है, सेंसिटिविटी होती है, चुनचुनाहट सी लगती है। तो सोनू भैया को क्या हो रहा है, एक्सेसिव सलाइवेशन हुआ, उसके बाद जो दांतों में प्रॉब्लम होने लगी। तो दांतों में प्रॉब्लम होने को आयुर्वेद में क्या बोलेंगे, दंत हर्ष बोलेंगे। तो दूसरा लक्षण याद हो जाएगा दंत हर्ष। अब क्या हुआ, मुंह के अंदर लाला स्त्राव भी हो गया, दांतों के अंदर पीड़ा भी होने लगी, अब क्या होगी, वोमिटिंग होगी, उल्टी होगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं आयुर्वेद के अंदर, वमन बोलते हैं। तो हमें इस तरह से नेक्स्ट लक्षण वमन याद कर लेना है। अब क्या होगा, वमन करने की वजह से सोनू भैया के पेट से ऑल ओवर पानी बाहर निकल गया, जो भी उनने खाना खाया था वो बाहर निकल गया। तो अब क्या होगा, उनको क्या लगेगी, पानी की प्यास लगेगी। तो पानी की प्यास लगने को आयुर्वेद के अंदर क्या बोला जाता है, तृष्णा बोला जाता है। तो नेक्स्ट लक्षण आपको याद कर लेना है कि सोनू भैया को क्या होगा, प्यास लगेगी, तृष्णा होगी। अब क्या हुआ, बॉडी के अंदर से लिक्विड भी निकल गया, फूड भी निकल गया थ्रू उल्टी। तो अब क्या होगा, सोनू भैया के शरीर में कमजोरी आ गई, बेहोशी सी होने लग गई। तो उसको आयुर्वेद में बोलते हैं मोह, मूर्छित हो जाना, बेहोश हो जाना। तो नेक्स्ट लक्षण याद कर लेना है मोह, और उसकी वजह से उन्हें सुस्ती आने लगती है, और सुस्ती आने को हम बोलते हैं आयुर्वेद के अंदर क्लम। तो इस तरह से हमें प्रथम वेग के सभी लक्षण याद हो जाते हैं। एक बार और समझते हैं, सबसे पहले क्या हुआ, सोनू भैया को वोमिटिंग होने वाली है, तो सबसे पहले मुंह के अंदर एक्सेसिव सलाइवेशन हुआ, जिसको हम बोलते हैं प्रसेक। देख उसके बाद क्या हुआ, दांतों के अंदर सेंसिटिविटी हुई, जिसको हम बोलते हैं दंत हर्ष। देन क्या हुआ, वोमिटिंग हुई, मींस वमन हुआ। उसके पश्चात क्या हुआ, ऑल ओवर लिक्विड और फूड बॉडी से बाहर निकल गया, तो उनको प्यास लगी, मींस तृष्णा हुई। उसके बाद क्या हुआ, उनके शरीर में मूर्छा आने लगी, क्योंकि बॉडी के अंदर पानी की कमी हो गई। तो नेक्स्ट लक्षण क्या हो जाएगा, मोह याद हो जाएगा, और उसकी वजह से उन्हें सुस्ती आने लगी। तो ये नेक्स्ट
लक्षण क्या हो जाएगा, हमें क्लम याद हो जाएगा। तो इस तरह से प्रथम वेग के अंदर हमें निम्नलिखित लक्षण याद करना है। आगे बात करते हैं कि द्वितीय वेग के अंदर हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला हमें ध्यान रखना है कि द्वितीय वेग के अंदर रक्त धातु की विकृति देखने को मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर सिक्वेंस से धातुओं की विकृति हमें देखने को मिलेगी। सबसे पहले वेग में रस की विकृति, द्वितीय वेग में रक्त की विकृति और तृतीय वेग में मांस की विकृति। तो इस तरह से सिक्वेंस से चल रही है। तो हमें ध्यान में रखना है कि द्वितीय वेग के अंदर रक्त धातु की विकृति होगी। अब आगे बात करते हैं, फर्स्ट वेग से हमने सोनू भैया से ट्रिक लगाई थी और याद किया था। सेकेंड वेग में भी हमें सोनू भैया को ही याद रखना है। फर्स्ट वेग में क्या हो रहा था, हमने देख लिया कि सोनू भैया बहुत बीमार आदमी है, उनको क्या हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है। सेकेंड वेग में क्या होता है, उनको डिजीज हो जाती है अस्थमा। तो हमें ध्यान रखना है कि सोनू भैया को सेकेंड डिजीज क्या हो रही है, अस्थमा हो रहा है, उनको अस्थमा हो रहा है। और अस्थमा होने के बावजूद उनकी बीवी को कोई परवाह नहीं है। उनकी बीवी क्या है, एमजे की फैन है, माइकल जैक्सन की फैन है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, अस्थमा बीवी एमजे फैन, इस तरह से ट्रिक लगाना है। अब किस तरह से लक्षण लिखना है, सबसे पहली डिजीज हम बोल रहे हैं कि सोनू भैया को अस्थमा है और अस्थमा को आयुर्वेद में बोला जाता है तमक श्वास। तो हमें सबसे पहले लक्षण याद कर लेना है तमक श्वास। अब क्या होता है, तमक श्वास क्या है, एक तरह की एलर्जी है और एलर्जी के होने की वजह से सोनू भैया की पूरी बॉडी का कलर चेंज हो जाता है और कलर चेंज होने को आयुर्वेद के अंदर बोला जाता है विवर्णता। तो दूसरा लक्षण हमको याद कर लेना है विवर्णता। आगे बात करें, बीवी के बी से हमें याद करना है भ्रम, वी से याद करना है वेपथु और माइकल जैक्सन के एम से हमें याद करना है मूर्छा और जे से याद करना है जृंभा। तो इस तरह से हमें द्वितीय वेग के लक्षण भी बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। आगे बात करते हैं तृतीय वेग की। तो तृतीय वेग के अंदर मांस धातु की विकृति होती है। तो सबसे पहले रस विकृति, फिर रक्त विकृति और मांस विकृति। तो सीक्वेंस से याद हो जाएगा। तो तृतीय वेग के अंदर मांस धातु की विकृति होती है। अब यहाँ पर हम देख रहे थे कि सोनू भैया को सबसे पहले वोमिटिंग हुई, देन सेकेंड डिजीज उनको देखने को मिली अस्थमा। अब क्या हो रहा है, जैसे कि हमने अस्थमा के अंदर देखा था कि उनकी बॉडी का कलर चेंज हो रहा था क्योंकि उनको एलर्जी हो रही थी, अब उनको क्या हुआ, उसकी वजह से आगे चलकर फंगल इन्फेक्शन हो गया। तो तीसरी डिजीज आप माइंड में रखें कि नेक्स्ट उनको क्या हो रहा है, फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। अब फंगल इन्फेक्शन किस तरह से होता है, उसकी सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए हम इसके ऑल ओवर लक्षण याद करेंगे। तो सबसे पहले जब फंगल होता है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, मंडलाकार गोल गोल चकत्ता फॉर्म हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मंडल। तो सबसे पहला जो हमारा लक्षण होगा, हमको याद रखना है कि शरीर के ऊपर मंडल की उत्पत्ति हो जाएगी। उसके बाद क्या होता है, रेशेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सेकंड लक्षण हमें याद करना है कोट। अब धीरे धीरे क्या होगा, जहां पर फंगल इन्फेक्शन हुआ है वहां पर क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा और इन्फ्लामेशन को आयुर्वेद के अंदर शवथू बोलते हैं। तो हमें नेक्स्ट लक्षण याद कर लेना है शवथू। अब क्या होगा, इन्फ्लामेशन होने के बाद वहां पर क्या होगा, जहां पर फंगल इन्फेक्शन हुआ है वहां पर इचिंग होगी और इचिंग होने को आयुर्वेद के अंदर बोला जाता है कंडू। तो इस तरह से हमें नेक्स्ट लक्षण कंडू याद कर लेना है। तो दोस्तों इस तरह से सबसे पहले गोल गोल मंडल का निर्माण हुआ, फिर रेशेस बने तो कोट बोल दिया, फिर उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो गया तो उसको शवथू बोल दिया, और उसके अंदर इचिंग हो रही है तो उसको हमने बोल दिया कंडू। तो इस तरह से हमें ये चारों लक्षण इसके अंदर याद हो जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि स्टार्टिंग के तीन वेग धातुओं की सिक्वेंस से भी सही है और तीनों जो वेग है उनके अंदर सोनू भैया वाली ट्रिक लग रही है। तो वहां तक आपको सिक्वेंस में ध्यान में रखना है। चौथे वेग से हमको अलग तरीके से याद करना है। चौथे वेग में क्या होगा, वातादि दोष विकृत होंगे। तो चतुर्थ वेग में हमें ध्यान रखना है कि वात पित्त और कफ, इन दोषों की विकृति देखने को मिलती है। तो इन दोषों की विकृति होने की वजह से इनसे संबंधित लक्षण मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला लक्षण है अंगों में शूल। तो दोस्तों शूल किसका लक्षण है, वात का लक्षण है। तो सबसे पहला हमारा लक्षण हो जाएगा अंगों में शूल। सेकंड है दाह। तो दाह किसकी वजह से होता है, पित्त दोष की वजह से होता है, क्योंकि पित्त का गुण ही क्या होता है, उष्ण गुण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं छर्दी और मूर्छा। तो ये हमें कफ दोष की वजह से देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हमें चतुर्थ वेग के अंदर शूल वात की वजह से, दाह पित्त की वजह से, छर्दी मूर्छा कफ की वजह से याद कर लेना है। आगे बात करते हैं
पंचम वेग की, तो पंचम वेग के अंदर क्या होता है, दृष्टि मंडल विकृत हो जाता है, अर्थात जो हमारी आंखें होती है वो विकृत हो जाती हैं विष के प्रभाव से। तो इसके अंदर क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, तो आंखों से संबंधित लक्षण इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहला लक्षण है, कोई भी वस्तु नीलवर्णी दिखती है तो विष के प्रभाव की वजह से पंचम वेग के अंदर दृष्टि मंडल में विकृति होने के कारण कोई भी वस्तु नीलवर्णी दिखाई देती है, ब्लू दिखाई देती है। नेक्स्ट बात करते हैं, तमह प्रवेश देखने को मिलता है, अर्थात आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से हमें पंचम वेग भी याद कर लेना है। आगे बात करते हैं, तो छठे वेग के अंदर हमें मृत्यु सूचक हिक्का के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो हमें याद कर लेना है कि छठे वेग के अंदर एकमात्र लक्षण हिक्का देखने को मिलता है। सप्तम वेग के अंदर हमें स्कंद भग्न देखने को मिलता है, तो सातवें वेग के अंदर स्कंद भग्न देखने को मिलता है, और आठवें वेग के अंदर मृत्यु लक्षण देखने को मिलता है, अर्थात आठवें वेग के अंदर मनुष्य की विष के प्रभाव से मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जिसने भी अभी तक मास्टरमाइंड समीर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, इसी तरह आयुर्वेद को पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आयुर्वेद को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू।